Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वायरस जो शिकार थी वयो। डॉक्टर फैसल सुल्तान ट्विट बयान में तस्दीक कई है इमरान खान की कोरोना टेस्ट मस्बत अची वही है। कोरोना की तस्दीक बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पान के घर में क्वारंटीना कर छो। गुजरियल ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वायरस का बचाव की वैक्सीन भी लगराई हुई। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना वायरस की टेस्ट कराने बावजूद मुख्तलिफ़ शख्सियतों से मुलाकातों और इजलास की सरबराही भी कंदो रहो। हाँ उन्हें समूर मानून की भी कोरोना टेस्ट करने जो फैसलो। वफाक वटि टे वड़ी अस्पतालों हलायण लाए वसीला ही मौजूद ना हैं। अस्पतालों जो कंट्रोल वफाक दा मुंतकिल न थियन घुर्जे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब है पीटीआई सरकार अवाम के रिलीफ देने बदला खसे रही है। वफाकी हुकूमत कोरोना की हालतों में भी अवाम के तंग करण का नथी मुड़े। जिन्हा अस्पताल NICH NICVD में सिंध सूधो सजे मुल्क में मरीज इलाज लाइंदा ट्रई अस्पतालू वफाक हवाले थी तो मरीज रुली वा। वफाक अस्पतालू हलने लाए गवर्निंग बॉडी जोड़े छी है। अस्पतालू न हलण से इस्लामाबाद वेठल सेक्रेटरी हेल्थ से फर्क न पवन आम शहर के इलाज से फर्क पव। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुर्तजा वहाब हुकूमत तरफा अवाम के 290 अरब रुपये जो चूनो लगाया वो। वज़ीर आज़म की मंजूरी से सदर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री धड़ाधड़ हली रही है। NCOC मुल्क में कोरोना वायरस की पखेड़ में गैरमामूली इजाफे से गणती जाहिर कर छी। वज़ीर आज़म के सेहत बाबत सलाहकार डॉक्टर फैसल सुल्तान है तो कोरोना केसेस मस्बत अचने की शरह 4 मां 90% तीन पहुंची वही है। शहरी SOPs से सख्ती से अमल कन न तो सूरत हाल हथन में निकली वी। हुकूमत की सदारती ऑर्डिनेंस जरिए मिनी बजट आनने की तैयारी। जरिए मूजिब IMF जा शर्त पूरा करने लाए टई ऑर्डिनेंस अज ही जारी थियण जो इम्कान। ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी नेपरा के बिजली के अघन बाबत इख्तियार दियण FBR तरफा 140 अरब रुपये जो टैक्स छूट खत्म करण बाबत आहिन। IMF हुकूमत के 25 मार्च का अग ऑर्डिनेंस जारी करण या पार्लियामेंट में कानून सादी की डेडलाइन दिनी है। इलेक्शन कमीशन सेनेट चूंडन का अग वीडियो स्कैंडल वाले मामले से सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और संदस पुत्र अली हैदर गिलानी के नोटिस जारी कर छा। दरख्वास्त गुजार फारूक हबीब कंवल शोजफ और मलिका बुखारी के भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन तरफा जुड़ल बेंच अली हैदर गिलानी के वीडियो स्कैंडल थी 22 मार्च से बुधनी कंदी। क्या मुल्क की पार्लियमान नहीं चलती वहाँ कमेटी कहाँ से चलेगी? PDM अल्लाह के करम से कायम है, कभी तितर बितर नहीं हो सकती। PDM कभी नाकाम नहीं हो सकती। लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के मामलात को आईन के मुताबिक चलाने में कामयाब होते हैं तो सब उनके साथ हैं। पूरी PDM मिलकर यही कोशिश कर रही है कि जो 73 साल की नाकामियाँ हैं उसकी एक ही वजह है कि मुल्क आईन के मुताबिक नहीं चलता। अगर इसमें आसिफ जरदारी वाली हमारी रहनमाई फरमाएंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी ही कामयाबी है। ये उनका मौकफ है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन 9 PDM की जमातें ये कहती हैं कि हम इस नाकाम असेंबली इस निज़ाम के अंदर रहकर हम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते, मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सकते। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तो तरीके अदम एतमाद की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाज़ार में खुद ये तरीके अदम एतमाद है। आसिफ जरदारी मुल्की मामला आइन मूजिब हलने में कामयाब थे तो सब उन गुँ। PDM कदें भी तोड़ फोड़ और नाकामी जो शिकार न थी। अगूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाका नबासी है PDM इतिहाद इन लाए तो मुल्की निज़ाम के आइन मूजिब हलया वे।
73 सालन में थियल नाकामी जो कारण एक ही है मुल्क के आईन मूजिब न हलो वो आसिफ जरदारी इन में असानी रहनुमाई कह तो कामयाबी कामयाबी है निज़ाम के आईन मूजिब हलने लाए जो भी क्यादत कहसा गड आयूँ मरियम नवाज की जबान बंदी ए हिरासा कर नैब जहा नोटिस सुणा पाया वन नैब की हकीकत आवाम आदो वाखी थी वही है जिते पार्लियामेंट नी हली सके उते चूंड सुधारन बाबत कमेटी कि हली सी कराची में मीडिया से ाले नवाज की अगवान चयो तो उस्मान बुज़दार खिलाफ़ बेतमादी रिथ आने की जरूरत ना है वो पा एक बेतमादी रिथ है। नून लीग अगवान जावेद लतीफ खिलाफ बगावत जो केस दाखिल लाहौर के टाउनशिप थाने ते दाखिल केस में बगावत रियासत से गद्दारी ए साइबर क्राइम जा कलम शामिल किया वह केस में जाना वो है नून लीग एमएनए जावेद लतीफ मानुन के बगावत लाए भड़कायो। ईद का लॉन्ग मार्च जो ऐलान थींदो कुर्बानी की ईद का अग हुकुमरानन की कुर्बानी थींदी इस्तीफान वे मामले ते इख्तिलाफ हल थी वेंदा नून लीग अगवान राणा सनावला चयो है पीपल्स पार्टी पहिरियां भी इस्तीफान के हक में न हुई ख्याल हो तो शायद पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के करे इस्तीफान का लवाए रही है नव पार्टी तजवीज़ दिनी है पहिरियां कौमी असेंबली में इस्तीफा दिजे कौम से मढ़ल टोले में जिंद छॾाइणी है। लियारी गैंगवार जो सरबराह उजैर बलोच कतल केस में कराची की दहशतगर्दी जोड़ अदालत में पेश इस्तगासा के शाहिद बयान रिकॉर्ड कराए छो अदालत केस के बेन शाहिदन के 10 अप्रैल से तलब कर वरतो उजैर बलोच खिलाफ करली थाने ते कतल केस दाखिल है उजैर बलोच हेल ताई 11 का केसिस में बरी थी चुको है। कराची की मकामी अदालत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजिम सैयद अशरफ के कत्ल केस में दोह साबित थे केडीए मुलाजिम सिराज के मौत की सजा बुधा छी अदालत जवाबदार के 5 लख रुपया दंड भी लागू कर छो कुछ अर्सों अगु जवाबदार सिराज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिस में फायरिंग करी सैयद अशरफ के कत्ल किया हो। सिंध हाई कोर्ट मरहूम पुलिस अहलकार के बार के फौरी नौकरियों देने जो हुक्म दई छो नौकरी दौरान फौत थियल बिन पुलिस अहलकार के बार के नौकरी न देने खिलाफ दरख्वास्तों से लिखित में फैसलो जारी अदालत पांजे फैसले में चयो है मरहूम अहलकार जहाँ बार चीफ सेक्रेटरी के दरख्वास्त दियन घुर्बल तालीमी मयार पूरा हो खे नौकरी दई फौरी तौर ऑफर लेटर जारी क्या वन सिंध सरकार मरहूम अहलकार की दरख्वास्त गौर कर हुकूमत नौकरी नी दिए तो दरख्वास्त गुजार बीहर अदालत से राबो कर सकता अदालत हुकूमत के अमल लाए चीफ सेक्रेटरी ए आई जी सिंध के भी नोटिस जारी कर छाया। लाहौर सियालकोट मोटरवे से औरत से इज्तिमाई ज्यादती केस में जवाबदार के अज सजा बुधाई वी मुख्य जवाबदार आबिद मली ए शफकत अंजाम से पहुंचा 6.5 महीना अग गुजरावाला वेंदड़ कार सवार औरत के जवाबदार बारन आरो यर्गमाल बनाए ज्यादती जो निशानो बनाया हो। शहदादपुर में नींगर के मुबैना बदफेली जो निशानो बनाईदड़ जवाबदार की बरियत बाबत सागर की अदालत जो फैसलो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज नींगर की अमर गुला सोलंगी दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया है मेडिकल रिपोर्ट में नींगर से बदफेली की तस्दीक थियण बावजूद तीन जवाबदार सजाद माछी रिजवान बिरोही ए सलीम जतोई के बरी किया वो सिंध हाई कोर्ट का जवाबदार की बरियत वो फैसलो कलदम करार दियण की इस्तदा। मीरवा गोरचाणी भरसा नींगरी के 50 साल के शख्स से परणायण की कोशिश दौरान पुलिस जो छापो घोट गुलाम सरवर जट ए नींगरी के तहवील में वरतो वो पुलिस जो चवण है नींगरी के वारिसन का बयान वठण बाद कानून मूजिब कार्रवाई कंदासीं। थारूशाह में गुर्बत ए महंगाई सबब टाउन कमेटी के मुलाजिम चयन बार पीओ नईम शेख मुबैना फाहो खाई आबघात कर छो पोती मुलाजिम की घरवारी रोजीना शेख जो चवण है संदस मुड़स घट पघार ए महंगाई सबब अक्सर परेशान रहो हो।
सेठाजा में नौजवान घरू अणबणता पान के बाहर रही छी गणती जोगी हालत में गिम्स अस्पताल मुंतकिल। सोची मोहलावासी राजेश मल मुबैना तौर पान के कमरे में बंद कर बाहर दिनी। डॉक्टर्स मूजिब नौजवान जो 90% जिस्म मुतासर थो है। वतन या कफन आजादी या मौत जो नारो हणंदड़ शहीद सूर्य बादशाह जो 78 योम शहादत मल्हायो पियो वञे। मुख्य तकरीब सांगड़ प्रेस क्लब में जारी। अगवान पारां दिया बारे शहीद सूर्य बादशाह